हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलकास्ट निगम लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट बेस्ट है एंड ये कंपनी आपको 5% तक डिविडेंड रिटर्न देगी, जो एफडी से काफ़ी बेस्ट होता है। एंड इस कंपनी के सारे एनालिसिस एंड प्रॉफिट ग्रोथ हर साल बढ़ता ही जा रहा है, आपको एक भी फाइनेंशियल सर्विस आपको माइनस में नहीं लगेगी। एंड गाइस, आप किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक, जो ऑलमोस्ट ये फेमस कंपनीज है एंड ये कंपनीज इंडिया की कंपनीज है। इस स्टॉक का जो प्राइस है 32.75 रुपये एंड इसका टूडे जो रिटर्न रहा था 0.46% तक। एंड इस कंपनीज के फाइनेंशियल सर्विस आप देख सकते हो। ये कंपनीज का फाउंडेड हुआ था, स्थापना 24 जनवरी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। एंड इस कंपनीज का आप रिवेन्यू देख सकते हो ऑलमोस्ट कितना बेस्ट है, 1.4 US बिलियन डॉलर में, जो इंडियन करेंसी में 10,000 करोड़ के आसपास होता है। इस कंपनीज को हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी सपोर्ट करती है, जो काफ़ी ये फेमस कंपनीज है। एंड इस कंपनीज के आप क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हो, जो आपको ऑलमोस्ट बढ़ते हुए मिलेंगे। अब आप सितंबर का देख सकते हो, इसका नेट इनकम 289 करोड़, जो ऑलमोस्ट बेस्ट है, सारे ग्रीन सिग्नल में है। अब आप दिसंबर का देखो, ऑलमोस्ट बढ़िया इसके रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब आप इसका ऑपरेटिंग इनकम देखो टोटल, एंड इसका रिवेन्यू देख सकते हो, कॉस्ट रिवेन्यू। इसका कॉस्ट रिवेन्यू है 4.66 ट्रिलियन एंड इसका ऑपरेटिंग इनकम 314 करोड़ के आसपास है, जो ऑलमोस्ट बढ़िया है। अब आप इसकी मेन वेबसाइट पे चलो, वहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। आ चुके गाइस इसकी मेन वेबसाइट पे skinner.com पे। एंड ये कंपनी जो है बिजनेस ऑलरेडी बहुत टाइप के करती है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कंपनी मजोर ब्रिज, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू लाइंस, ये ऑलमोस्ट बेस्ट कंपनीज है। ये स्टॉक आपको दोनों एक्सचेंज पे अवेलेबल मिल जाएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 7,000 करोड़ के आसपास है, 7 ट्रिलियन के आसपास है। इस एक साल में हाई प्राइस गया था 44.8 पैसे एंड इसका लो प्राइस गया था 26.4 पैसे। अब आप इसका स्टॉक पर अर्निंग आप देख सकते हो 6.11%। इसका बुक वैल्यू आप देख सकते हो 29 रुपये के आसपास इसका बुक वैल्यू है। एंड ये कंपनी डिविडेंड देती है 4.82%, जो ऑलमोस्ट बेस्ट है स्मॉल कैप से देखा जाए तो। एंड इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो 17.3% तक है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अब आप इसका फेस वैल्यू देख सकते हो, जब ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था इसका प्राइस था 10 रुपये। अब आप इसका हाई प्राइस देख सकते हो, कितना ज़्यादा इसका हाई प्राइस गया था। इसका हाई प्राइस गया था गाइस 42 रुपीज़ के आसपास इसका हाई प्राइस गया था, जो इन्वेस्टरों ने इस स्टॉक से अच्छे खासे रिटर्न पाए थे। आप इंडिकेटर्स आप देख सकते हो, जो ऑलमोस्ट बेस्ट है। इसका बुक वैल्यू है जो ट्रेडिंग टाइम 1.12% है एंड ये स्टॉक डिविडेंड देता है 4.82%, जो ऑलमोस्ट बेस्ट है। इस कंपनीज के गुड क्वार्टर है एंड इस कंपनीज के हेल्थीली जो डिविडेंड है 31.37% तक है, जो ऑलमोस्ट बढ़िया है। अब आप इसके कंपैरिजन देख सकते हो, किस किस कंपनीज के साथ कंपैरिजन चल रहे हैं। इसका सेक्टर है कंट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रीज है कंट्रैक्शन, जो ये कंपनीज कंट्रैक्शन बैग्स पे बिजनेस करती है। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, इस इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। एंड इसके कंपटीशन आप देख सकते हो, किस किस कंपनीज के साथ कंपटीशन चल रहे हैं। माइक्रोटेक डेवेल हो गया, नेशनल स्टैंडर्ड हो गया, KNR कंट्रैक्शन हो गया, PNC इंफ्राटेक हो गया, ये ऑलमोस्ट फेमस कंपनीज है गाइस, इसके साथ इसका कंपटीशन चल रहा है। एंड इसका क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हो, इन्होंने इस साल का ऑलरेडी अपडेट किया है। इसका जो सेल हुआ था इस साल का 5,000 करोड़ के आसपास हुआ था एंड इसका खर्चा जो हुआ था 4,700 करोड़ के आसपास, जो कंपनी है एक्सपेंसिव खर्चे काफ़ी कम कर रही है। गाइस, अब आप इसके बैलेंस शीट देखो, जो ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है या लॉस में चल रही है। इसका जो टोटल लायबिलिटीज़ है 14,000 करोड़ के आसपास इसका टोटल लायबिलिटीज़ है एंड इसके पास एसेट भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसका एसेट देख के। इसका एसेट है 14,000 करोड़ के आसपास, जो कंपनीज़ है ऑलमोस्ट लायबिलिटीज़ के साथ कंपेरिजन में चल रही है। एंड आप कंपनीज का मेन टॉपिक देखो, जो आपको अच्छे से अच्छे सारी इन्फॉर्मेशन इसी से पता चलती है, कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में चल रही है, कंपनी ऑलरेडी प्लस में है और आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न देगी। 1 ट्रिलियन इसका नेट कैश फ्लो है,
जो कंपनी अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए ही जा रही है। ये शेयर होल्ड आप देख सकते हो कितना कंपनीज ने इसका शेयर होल्ड किया है, कितना पब्लिक ने, इसका प्रमोटर ने शेयर होल्ड किया है 78% तक। एंड इस कंपनीज का देख सकते हो किस किस कंपनीज ने ऑलरेडी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। इसका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 8% तक इसके शेयर होल्ड किए थे। पहले कोटेक टैक्स सर्वर ने शेयर होल्ड किए थे, बट इन्होंने सारे डिफ्यूज कर दिए। एंड इसका पब्लिक का देख सकते हो कितना शेयर होल्ड किया है, 12% तक इसका पब्लिक ने शेयर होल्ड किया है। एंड इसकी एनुअल रिपोर्ट आप यहां से डाउनलोड करके सारा इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। आप गाइस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तीस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑलमोस्ट ही, आपको पर्सनल रिसर्च करनी होगी एंड अपने ब्रोकरेज के साथ कंपैरिजन करना होगा। आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड आप टारगेट की बात करना चाहते हैं तो आप ऑलमोस्ट टारगेट आप अपनी सेविंग का 10% तक कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।